हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फ्रेंड्स, यह जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसमें हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ठीक उसी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग कवर करते हैं जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार बीएड से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोफेज शब्द किसने दिया था। आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के अंदर में आंसर दे देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, बैक्टीरियोफेज शब्द जो है इसको दिया था 1917-18 में फेलिक्स डी हेरले ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फेलिक्स डी हेरले जो है ये फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कोलकाता शहर कब स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए मैंने बोला है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, कोलकाता शहर जो है इसकी स्थापना किसने किया था, तो जॉर्ज चारनोक ने। ध्यान रखेंगे, किसने किया था, जॉर्ज चारनोक ने किया था 1690 में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC COP26 में पार्टियों का सम्मेलन 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले UNFCCC का फुल फॉर्म जान लीजिए, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, इसका यह 26वां सम्मेलन जो है यह यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा। जगह अगर पूछ लिया जाए तो ये ग्लासगो शहर है स्कॉटलैंड का, वहीं किया जाएगा। हो सकता है यूनाइटेड किंगडम आपको दे दिया जाए, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए, न्यूयॉर्क जो है यह हडसन नदी के तट पर स्थित है, और वाशिंगटन जो है ये किस नदी के तट पर है, तो ये पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरे स्क्रीन पर यह दिखाई दे। हाँ चलिए, अब दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्ष 2021 के लिए कितने खिलाड़ियों को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम लोगों ने जनवरी से लेकर के जून 2021 तक के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, ICC हॉल ऑफ फेम 2021 में टोटल 10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। इनमें से अगर पूछा जाए कि किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है, तो विनू मांकड़ को किया गया है। ठीक है, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। अब तक जो है कितने भारतीय खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, यहाँ मैंने नाम लिख दिया है। बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और विनू माकंड को। ठीक है, विनू माकंड को इस वर्ष जो है शामिल किया गया। ये जो 10 लोग हैं इनमें विनू माकंड का भी नाम है, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। छठा क्वेश्चन है कि गॉडगिल फॉर्मूला किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी यह शुरू कब की गई थी, तो ध्यान रखेंगे 1951 से लेकर के 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था, और यह जो था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 तक रही थी, और यह जो योजना थी यह PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित था, और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से लेकर के 1966 तक रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें को ध्यान रखेंगे। 1968 और 1986 के बाद जो है यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यह जो शिक्षा नीति है इसमें जो है कहा गया है कि जीडीपी का 6% जो है शिक्षा में खर्च किया जाएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, यह जो शिक्षा नीति है 5 प्लस
3+3+4 मॉडल पर आधारित है। ठीक है, किस मॉडल पर आधारित है? तो 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इस शिक्षा नीति के तहत जो है अब मानव संसाधन मंत्रालय का जो है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और यह जो शिक्षा नीति है, इसका मसौदा इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो है तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 8वां प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 1। देखिए अनुच्छेद 14 जो है फ्रेंड्स, यह विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और आर्टिकल 51 जो है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का जो है इसकी बात कही गई है। यह विदेश नीति से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो चार मीनार का निर्माण 1591 में, ध्यान रखिएगा 1591 में, कुतुबशाही वंश के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार जो है यह किस राज्य में है? तो यह तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न में पूछा गया है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, अगर आपसे पूछा जाता कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, जनरल न लगा करके सिर्फ पूछा जाता कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो ये कौन था? ये रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ गवर्नर जनरल लगा हुआ है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के पारित हो जाने के बाद बंगाल के गवर्नर का जो पद था, बंगाल का गवर्नर, उसका नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। ठीक है, और इस तरह से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो बना, ये वारन हेस्टिंग्स बना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ वारन हेस्टिंग्स बना लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वारन हेस्टिंग्स था, लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं, वारन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए 72वां गणतंत्र दिवस जो है यह 2021 में मनाया गया था। इसमें जो है आमंत्रित किए गए थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, लेकिन कोरोना के चलते ये भारत की यात्रा पर नहीं आ सके थे। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, 2021 में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो है पाली भाषा में दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश अगर पूछा जाए तो ये कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था इन्होंने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि दिल्ली सल्तनत किसके आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया? तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबर के आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत जो है समाप्त हो गया। लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में, 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ध्यान रखेंगे, इसमें जो है पराजित कर दिया और दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से भारत ने किस देश से राफेल लड़ाकू विमान खरीदा है? तो भारत ने फ्रांस से जो है 36 राफेल विमान जो है खरीदेगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो मुद्रास्फीति का कारण जो है धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 31वां नाटो शिखर सम्मेलन 2021 किस शहर में आयोजित किया गया है? ठीक है, तो देखिए 31वां नाटो सम्मेलन जो है यह किया गया है बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है ये ब्रुसेल्स में ही है, ध्यान रखेंगे। इसका स्थापना 1949 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वंदे मातरम को जो है कब गाया गया था? तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीम तुला सयानी ने किया था। वहीं अगर पूछ लिया जाता कि जन गण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था और इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? देखिए इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, उसके बाद पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगिनी, इन सभी नामों से जाना जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि गन मेटल में शामिल है, तो देखिए फ्रेंड्स गन मेटल में जो होता है कॉपर होता है, उसके बाद टीन होता है और जिंक होता है। इसमें कॉपर 90% होता है, टीन जो होता है ये 8% होता है और जिंक जो होता है 2% होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कॉपर टीन और जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नई शिक्षा नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना है। तो इस शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति, इसका लक्ष्य जो है 3 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 21 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए पानी का जो है वाष्प में बनना, यह भौतिक परिवर्तन है, तो यह गलत हो जाएगा, ये तो बिल्कुल है नहीं पूछा गया। तो उसके बाद तरल पानी के लिए बर्फ का पिघलना, ये भी जो है भौतिक परिवर्तन है। पानी में नमक का विघटन, ये भी जो है भौतिक परिवर्तन ही है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का दहन, यह जो है रासायनिक परिवर्तन है, यह भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो बाकी तीन जो देख लीजिए ये भौतिक परिवर्तन है, और आखिरी का जो डी है यह रासायनिक परिवर्तन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG का दहन जो है यह रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 28 फरवरी के दिन जो है CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। ठीक है, तो देखिए पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, तो इसका मैं एक तरीका बता देता हूँ। देखिए KEDA कीड़ा जो है, यह कीड़ा, इसको पढ़िए, कीड़ा जो है जल में नहीं घुला, तो इसको किस में घुलना पड़ा था? इसको वसा में घुलना पड़ा था। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन KEDA। अब बाकी जो बच गए ये जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन बी बच गया और विटामिन सी बच गया, ये जो है जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, DNA नहीं रखता है। तो DNA में जो है क्या क्या रहता है? तो DNA में रहता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, साइटोसिन। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ साइटोसिन। ठीक है, DNA में क्या रहता है? साइटोसिन रहता है, उसके बाद एडेनिन रहता है, उसके बाद थायमिन रहता है, ठीक है, और गुआनिन रहता है। ये यूरासिल जो है ये नहीं रहता है DNA में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूरासिल नहीं रहता है। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है। यहाँ शासन को थोड़ा सुधार लीजिएगा, तालाब बेसर रहेगा, शासनकाल से संबंधित है, तो ये अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, इसमें अकबर का जो है जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस राज्य के सिलाव खाजा को, ठीक है, यहाँ देखिएगा सिलाव खाजा को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग जो है प्रदान किया गया है। तो सिलाव खाजा, जरदालू आम, शाही लीची, कतरनी चावल, ये सभी जो है कहाँ के प्रोडक्ट्स हैं? बिहार के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नई शिक्षा नीति के तहत किस कक्षा से व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो है शुरू किए जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 6ठी कक्षा से जो है शुरू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखिएगा कि नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को निरस्त या खत्म कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है MPhil को समाप्त कर दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, MPhil। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किस भारतीय एथलीट की आत्मकथा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी जो है यह आत्मकथा है मिल्खा सिंह जी की। हाल ही में इनका निधन हुआ है, ध्यान रखेंगे। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर की सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। बृहत स्नानागार और अन्नागार ये भी ध्यान रखेंगे, ये दोनों जो हैं कहाँ से पाए गए हैं? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 32 नंबर देखिएगा कि सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से। हाल ही में ये सुर्खियों में रहे हैं, तो इनका संबंध शूटिंग से है, शूटिंग विश्व कप अभी चल रहा है और उन्होंने इसमें गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है यह बिहार का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और यह जो बनाया जा रहा है कोसी नदी पर बनाया जा रहा है, बिहार राज्य से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि देश की पहली राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। पहली राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है ये की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान। दूसरी की गई थी
3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, और तीसरी बार किया गया था 26 जून, यहाँ ध्यान रखिएगा 26 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर लगाया गया था। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल जो है ये 360 के तहत लगाया जाता है। भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। तो देखिए BCG का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखेंगे, वैसिलस कालमेट, ठीक है, CALMETE कालमेट, ठीक है, ग्यूरिन, ठीक है, GUERIN, वैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ठीक है, और यह टीका जो दिया जाता है क्षय रोग में, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर देखिए कि IM नो मसीहा के लेखक कौन है, तो यह जो पुस्तक है IM नो मसीहा, इसको लिखा है सोनू सूद ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर देखिए कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का रहा है, दूसरा स्थान राजस्थान का रहा है, तीसरा स्थान जो है ये मध्य प्रदेश का रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर कि 20 रुपये के नए नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय धरोहर की छवि है। तो 20 रुपये के नए नोट पर जो है शक्तिकांत दास का जो है सिग्नेचर है, RBI के गवर्नर हैं वर्तमान में, 25वें गवर्नर हैं, और राष्ट्रीय धरोहर की छवि की बात करें तो एलोरा की गुफाएं अंकित हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो महाबलीपुरम में जो रथ मंदिरों की संख्या वो कितनी है, 7 है, और इसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ये पल्लव वंश के शासक हैं, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। तो राज्यसभा के सदस्य मनोनीत होने वाले प्रथम अभिनेता जो हैं ये पृथ्वीराज कपूर हैं, अभिनेत्री पूछा जाए तो नरगिस दत्त, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मॉडम जो है किस प्रकार का उपकरण है। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कवर कराया था, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, और कितने प्रश्न का उत्तर आपने स्वयं दिया है, यानी कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, यहाँ अपना स्कोर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार आप ज़रूर देख लीजिए।